अगर ये गेंदबाजी इस तरीके से होगी तो फिर इसी तरीके का शॉट खेलेंगे। हालांकि एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, एक अच्छा साहस जरूर था, पर उतना नहीं कि बॉल रोक पाए। इस बार गई, दूर गई है, बहुत दूर, अब केवल 11 रन दूर शतक से। ये रिकॉर्ड शतक होगा शायद। आज पूछना होगा क्या खाया है मैक्सवेल ने, सारा गुस्सा निकाल दिया। ये देख सकते हैं, धीरे गेंद, पाले में गेंद, 6 रन ढूंढते रह जाओगे। कमाल है भाई मैक्सवेल। ये लीजिए जैम्पा खोल रहे हैं कैंपा, वहां उस तरीके के जेस्चर कर रहे हैं। सबसे तेज वर्ल्ड कप 100 इसी ग्राउंड पे थोड़े हफ्तों पहले आया था एडन मार्करम ने 49 बॉल्स में, और इस सिडनी में उनका एक ही मात्र जो वर्ल्ड कप 100 2015 में आया था, और वो भी तेजी से 53 गेंदों में। लेकिन आज लगता है कि कुछ अद्भुत होने वाला है। तब भी वो शॉट्स खेलते थे, आज भी वो शॉट्स खेल रहे हैं। ये तो कहां गई है, दिल्ली से बाहर, क्या शॉट है। 95 पे पहुंच गए ग्लेन मैक्सवेल। ये मैच थोड़ा सा ठंडा चल रहा था, लेकिन मैक्सवेल ने बिल्कुल गर्म कर दिया। संजय भाई कितने बनेंगे आज, तो आप जो कह रहे हो वही हो रहा है। आपने कहा था 400 बनेंगे, ये 400 तो बन जाएंगे। अब क्या होगा संजय? यार ये ग्राउंड जो है ना, इसी ग्राउंड पे हमने इतिहास में वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में सबसे तेज 100 देखा मार्करम के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ, और वो रिकॉर्ड अभी थोड़े दिनों के बाद इसी ग्राउंड पे ब्रेक होने जा रहा है। केवल 5 रन चाहिए और 10 बॉल बाकी है वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। तो वो रिकॉर्ड अगर आउट नहीं होते तो वो गया, आज वो रिकॉर्ड गया। मार्करम का रिकॉर्ड गया, मैक्सवेल का नया रिकॉर्ड, और ये गिफ्ट, और ये छक्का, और ये रिकॉर्ड उसी दिशा में। फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100, वो नो बॉल भी है, इसके बाद मजे लेंगे फ्री हिट की। 40 गेंदों में 100 रन, ग्लेन मैक्सवेल। कौन है ग्लेन मैक्सवेल? ये है ग्लेन मैक्सवेल। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस तरीके से खड़ी हो गई इस शतक के पीछे। जो मेहनत थी पिछले कुछ मैचेस में, जब रन नहीं निकल रहे और जब निकले तो इस तरीके से जैसे कि ज्वालामुखी फटाओ। ये देख सकते हैं आप कितनी ऊपर थी ये गेंद, पीछे की तरफ खेला, नो बॉल है ये, फ्री हिट, चौका, माफ करना छक्का। और फ्री हिट पे क्या मिलेगा, और एक छक्का मिलेगा शायद ये, और ये बहुत बढ़िया 100, 40 गेंदों में 100। संजय भाई बहुत बड़ी बात, बॉलर पे देखिए ना प्रेशर क्या हो गया, वेस्ट है, फुल टॉस डाल रहे, ये फ्री हिट है, इस पे तो छक्का लगना ही है। जब फ्री हिट नहीं होती तो छक्के लग रहे हैं। ये अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल ऑफ सम के बाहर, लेकिन क्या पारी रही है ग्लेन मैक्सवेल। अभी तक शांत थे, अभी तक ठंडे थे, लेकिन जब ये जैसे आपने कहा, ये जब बम फटता है तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सबसे तेज शतक, बाकी शतक देखे अगर आपने रिकॉर्ड देखे तो एक एक गेंदों से बेटर हुआ है, ये 9 गेंदों से बेहतर। देखिए इनकी सेलिब्रेशन बताती है कि कितने समय से इस मोमेंट का ये वेट कर रहे थे। और बाकी इस इनिंग्स का डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अब मिलेगा ढेर सारा फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट फ्री, यानी हर रोज फ्री वेब सीरीज के नए एपिसोड, सोशल एक हादसा में दौड़ है नाम बनाने की, जो लास्ट 50 रन थे मैक्सवेल के, 50 से 100 तक सिर्फ 13 गेंदों में पहुंचे हैं। कमाल का मुजाहरा इन्होंने आज पेश किया है। ये थोड़ा सा लकी ब्रेक मिल गया है, 400 तो बनेंगे, खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन के ऊपर, लेकिन गई है फाइन लेग में। 100 रन की पार्टनरशिप पैट कमिंस ने बनाया, उसमें 8 रन।
और इस शॉट पे अगर आप नजर डालेंगे तो उससे पहले पार्टनरशिप पे नजर डाल लीजिए, जो 45 गेंदों पे जो 103 रन बनाए हैं, पैट कमिंस के कितने स्कोर है और मैक्सवेल का अद्भुत, जहां मार रहे हैं वहां चौका छक्का लगा रहे हैं, 45 बॉलों में 103 रन की पार्टनरशिप, ये साझेदारी कमाल की है। इस बार एक ही मिलेगा, मैं तो कह रहा हूं भागने की जरूरत ही नहीं, मैक्सवेल ही खेले अगली चार गेंदें भी। ये देखिए मारी कहीं गई कहीं देन हो ऐसा, ये देखिए मारना चाह रहे थे रिवर्स स्वीप पर, कहीं से भी आए रन आने जरूरी है। 7 रन संजय मांजरेकर जी की प्रेडिक्शन से दूर, ऑस्ट्रेलिया 400। जैसे आपने कहा वो स्ट्राइक पे रहे, सिंगल का चांस था लेकिन लिया नहीं है, ये शायद इतनी दूर नहीं गई है और लगता है कैच लिया है एंगल ब्रेक ने, लॉन्ग ऑन पे कैच, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे कैच लिया है। और ग्लेन मैक्सवेल की ये जो करिश्मा इन्होंने बल्ले से करके दिखाया है उसका अंत हो गया है, वर्ल्ड कप की एक यादगार पारी की समाप्ति। जी हाँ, ये कुछ इस तरीके की पारी जो काफी समय तक याद रखने वाली है, एक अच्छी कैच टीम का, जब एक बेस्ट फील्डर उधर खड़ा हो तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैच पकड़ी जाएगी। जैसे हम कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया सही समय पर फॉर्म में आ रहे हैं, fingers under the ball and no contact, keep rolling, no contact with boundary until he gets up, until he stops. Are you happy? Not yet, keep rolling. Now I'm happy, thank you. Decision for the big screen. Erasmus एकदम बहुत ही फंसी अंपायर लग रहे हैं, अंत तक देखना चाह रहे थे, मुझे लगा कि होटल तक उनको फॉलो करेंगे और देखेंगे क्लीन कैच है या नहीं। देखिए उनको भी पसंद आने लगी इनकी पारी, ग्लेन मैक्सवेल कमाल की पारी खेलते हुए 106 रन इन्होंने बनाए, 393 पे 7। ये पिछले आधे पौने घंटे अम्मा फेवरेट ड्रेस स्टॉर्म आते हुए आज मैक्सवेल का स्टॉर्म देखा है। मिचेल स्टार्क ने शायद ऊंची मारी है, दूर नहीं, और एक बहुत ही बढ़िया कैच कॉलिन एकमन, और 2 विकेट इनको मिले हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं आज फैन बैंक, लेकिन जैसे क्रिकेट में चलता है जिनको बहुत मार पड़ी है वो अब हैट्रिक पे है। जी हाँ, इस बार गति में परिवर्तन, पढ़ने के बाद बॉल थोड़ा रुक के आया, स्टार्क ने अपने बाजू जरूर खोले, बॉल ऊपर जरूर गई पर दूरी नहीं थी, और आसान नहीं होता इस तरीके का कैच लेना। बिना खाता खोले पेवलियन लौटते हुए 393 पे 8वां विकेट गिरा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे में ऐसी बल्लेबाजी नहीं की होगी जो उन्होंने इस ग्राउंड पे की है, लेकिन ये हीरो मैक्सवेल सबको याद दिलाया क्यों इनका नाम होता है, क्यों हमेशा इनकी बात होती है, जब रन भी नहीं बनाते तो भी उनके बारे में बात होती है। ऑस्ट्रेलिया तो खेलाने वाले थे उनको क्योंकि बॉलिंग इतनी बढ़िया कर रहे हैं। हैट्रिक बॉल और बच गए जैम्पा और स्ट्राइक पे आ गए कप्तान। अभी भी एक मौका कमिंस के पास, पर किस तरीके से ये विकेट गिरा, हाथ जरूर खोले, गेंद काफी दूर थी, पड़ने के बाद थोड़ी धीमी गति से आई, और अच्छा कैच, एक अच्छा कैच आसान नहीं होता जब गेंद इतनी ऊपर जाती है, खासकर जब रात का समय होने लगता है। आखिरी गेंद, छक्का चाहिए, पैट कमिंग्स अच्छे खासे छक्के लगाते हैं और काफी अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं आईपीएल में स्पेशली, या फिनिश अच्छा कर सकते हैं। वाइड, इनको देखते ही गेंदबाज थोड़े से दूर भागते हैं कि इनके रेंज में गेंद नहीं देना है, जब मैक्सवेल थे तब तो किया नहीं ये गेंद ऑफ स्टंप पे,
मैक्सवेल, वाह आज तो मैक्सिमम काम कर दिया है ये इन्होंने भी। डेविड वार्नर पहले शुरुआत बढ़िया करी और उसके बाद जो नींव बुनाई थी उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया मैक्सवेल ने। चाहे चौका हो, जी हाँ, यानी उसी तरह का स्कोर जो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, 399 जीतने के लिए नेदरलैंड्स को चाहिए 450 ओवर में, और बहुत ही मजेदार खेल देखने को मिला मैक्सवेल। थैंक्स टू मैक्सवेल, ये जो पारी ऐसे ही चल रही थी बहुत ही नॉर्मल सी, एंड सडनली मैक्सवेल का तूफान आया और खलबली मची। आखिरी गेंद पे वो जो चौका लगाते हुए, आप चाहते हैं कि कोई बाउंड्री से आप इस पूरी पारी की समाप्त करें। ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का लक्ष्य रखा।